सो गाइस कैसे आप सब, आपके सामने खड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खड़ी है जो एस मॉडल है। तो गाइस इस कार में आपको क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, एक्सटीरियर कैसी मिलती है, जैसा कि ये सबसे बेस मॉडल है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो इसका क्या प्राइसिंग रहने वाला है, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सके। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो यस जो क्लासिक मॉडल है, इसका कितना ऑन रोड प्राइस होने वाला है। तो इस कार का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 16,50,000 रुपये में यह कार अवेलेबल हो जाएगी। और भी प्राइस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप महिंद्रा शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस कार को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो भाई यहाँ पर देखें तो सबसे बेस मॉडल है, तो इस तरह से इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। भाई स्कॉर्पियो की बात ही अलग है। तो यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो ग्रिल मिली है ब्लैक कलर में, आपके यहाँ पर ग्रिल मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो आता है फ्रंट में, और इसमें आपको फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है। आपको अच्छा खासा लुक मिलती है। ऊपर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे कट्स एंड क्लीयर आपको मिल जाती है, इस तरह से वेंटिलेटर आपके यहाँ मिल जाती है, और बोनट काफ़ी हैवी आपको देखने मिल जाती है, और इसमें आपको कोई फॉगलाइट ऑफर नहीं किया जाता है। और इसके ग्राउंड केस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिलती है 209 mm का, इसमें आपको ग्राउंड केस मिल जाती है। तो ग्राउंड केस की वजह से काफ़ी फेमस परफेक्ट SUV एक कार है। अगर बात करते हैं हेडलाइट के बारे में तो इसमें आपको जो हेडलाइट का कंप्लीट सेटअप मिलेगा, हैलोजन सेटअप साथ आपके यहाँ पर मिल जाएगी, इसमें आपको डीआर नहीं मिलता है। इस तरह से आपको यहाँ पर क्रोम टच दिया हुआ है जो काफ़ी प्रीमियम सा लगता है देखने में। ओवरऑल आप देखें तो इसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आती है। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि जो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक है कैसी लग रही है आपको फ्रंट से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब आते हैं इसके व्हील की तरफ। तो भाई यहाँ पर देखें तो इसमें आपको जो व्हील ऑफर की जाती है 70 सेक्शन के आपके यहाँ पे व्हील ऑफर की जाती है, और जो टायर आपको मिलता है 295/65 R70 जिसका आपको टायर प्रोफाइल मिल जाती है। इस तरह से ब्लैक क्लडी आपको मिल जाती है, फाइबर बॉडी का आपको लग मिलती है पूरी गाड़ी में, काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। इस तरह से आपको यहाँ फेंडर पे टर्न सिग्नल आ जाती है, हेलोजन सेटअप साथ आपको मिल जाती है, और मैनुअली एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मिरर आ जाती है। इसमें आपको जो डोर हैंडल मिलता है यहाँ पर आपको ब्लैक कलर मिलती है, क्रोम फिनिशिंग के साथ इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इस तरह से आपको मिरर मिल जाती है, इस ब्लैक बिडिंग इसमें दिया हुआ है। और आते हैं इसके रियर की ओर, तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 6 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। और रियर से चेकआउट करिए तो भाई यहाँ पे आपको रियर से लुक काफ़ी बढ़िया लुक के साथ यह कार अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें तो रियर विंडशील पे आपको कोई डिफॉगर ऑफर नहीं किया जाता, रियर वाइपर भी नहीं आती है। यहाँ पे आपको हाई स्टेप लाइट जो मिलती है हैलोजन के साथ इसमें आपको मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो आ जाता है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी भाई यहाँ पे दिया हुआ है जो कि एसेसरी पार्ट इसमें दिया गया है, और इस तरह से हैंडल आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप नोटिस करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक एस की आपको यहाँ पे ब्रांड नेम मिल रही है, और इस तरह से आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर और रियर में आपको जो पार्किंग सेंसर इसमें ऑफर किया जाता है, 2 पार्किंग सेंसर रियर में ऑफर किया गया है। हैलोजन सेटअप साथ आपको यहाँ पर टेल लाइट आपको मिल रही है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। और इसका चेकआउट करते हैं इसका प्रॉपर यहाँ पर लेफ्ट साइड प्रोफाइल, तो भाई यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिए। इसमें आपको जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा आपको देखने जाती है। यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पे यम हॉक की आपके यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, तो इसका जो लेंथ आपको मिलता है 4456 mm का इसका लेंथ मिल जाता है। विड्थ की अगर बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 1820 mm का इसका विड्थ दिया गया है। हाइट आपको जो मिलती है 1995 mm का इसमें हाइट दिया हुआ है। ग्राउंड केस मैंने आपको बता दिया 205 mm का इसमें आपको ग्राउंड केस मिल जाती है। व्हील बेस की अगर बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 2680 mm का इसमें व्हील बेस आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलती है 460 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो चलिए इसका डोर मैं ओपन करके आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर आपको डोर प्रोफाइल कुछ ऐसा आपको देखने में जाती है, डोर हैंडल कुछ इस तरह की मिलती है। यहाँ पर आपको पियानो फेंसिंग मिलती है, बटन होल्डर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ पे स्पीकर सिस्टम की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, जैसा कि SSS का पार्ट है इसमें SSS इंस्टॉल की गई है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो सीट कवर देखेंगे, जैसा कि यह गाड़ी रेडी हो रही है, मैनुअली एडजस्ट आपके यहाँ पर सीट मिल जाती है। और चलते हैं इसके अंदर और बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर के बारे में, तो भाई यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो इंटीरियर मिलता है काफ़ी बढ़िया आपके यहाँ पे इंटीरियर मिल जाती है, जैसा कि स्कॉर्पियो यस क्लासिक मॉडल है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग बेस मिलती है, यहाँ पे आप महिंद्रा का लोगो, और यहाँ पे आपको कोई एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल आ जाती है, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल आ जाती है, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है डिजिटल प्लस एनालॉग, इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, भाई ये SSS का पार्ट अभी इंस्टॉल किया गया है, इसमें आपको आफ्टर मार्केट काम कराना पड़ेगा। जैसा कि यह गाड़ी रेडी हो रही है तो यह SSS का पार्ट इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल आपके यहाँ पर AC कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पे हेजार लाइट का फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको 12 वाट के चार्जिंग सॉकेट आ जाती है,
सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन साथ ही कार अवेलेबल है। यहाँ पे आपको हैंडब्रेक की प्लेसमेंट, यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है सेंटर कंसोल में, काफ़ी बढ़िया फीचर दिया गया है। और रियर में ऐसी इवेंट आ जाती है और सिटिंग कंफर्ट काफ़ी बढ़िया मिल जाती है भाई यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो इस तरह से आपको एंटी मिरर आयर रिम जो होती है मैनुअली एडजस्टेबल आयर रिम दिया गया है। और यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई इस तरह से आपके यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी मिल रही है। स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिटिंग कंफर्ट ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। इस साइड में देखें तो आपके यहाँ पर स्टार्ट स्टार्ट का बटन मिल जाता है, फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं, हेडलाइट लेवलाइजर आ जाती है। तो इस तरह से आपको काफ़ी बेसिक सा काफ़ी बढ़िया आपके यहाँ पर इंटीरियर मिल जाती है। डुअल टोन फिनिशिंग में आपके यहाँ पर इसकी इंटीरियर मिल रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो यस जो क्लासिक मॉडल है। तो गाइस आपको ओवरऑल कार कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड रो में और बात करते हैं वहाँ पे आपको क्या स्पेस मिलती है। तो गाइस यहाँ पे आप देखें तो इस तरह से आपको यहाँ पे डोर प्रोफाइल मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे फिनिशिंग मिलती है, डोर हैंडल कुछ इस तरह की दिया गया है। और चलते हैं इसके सेकेंड रो में। तो भाई यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको नई रूम हेडरूम लेग रूम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है जैसा काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं इसका इंटीरियर, इस तरह से आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एसी वेंट आ जाती है, यहाँ पे आपको स्पेस आपको मिल जाती है एंड रियर में आपको कोई चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। और इस तरह से आपके यहाँ पे डोर हैंडल आपको आ जाती है यहाँ पर। और अब बात करते हैं इसके हेडरूम और लेगरूम के बारे में। तो हेडरूम भाई यहाँ पे देखें तो इसमें आपको हेडरूम की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। हेडरूम काफ़ी इनफ आपको मिलती है स्कॉर्पियो क्लासिक मॉडल में, तो इसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और नीरूम आपको काफ़ी इनफ मिल जाती है भाई, और अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया आपको मिल जाती है। सिटिंग कंफर्ट आपको यहाँ पे बढ़िया मिलने वाली है। और यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है, और यहाँ पे आपको रियर साइड में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया हुआ है। और गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए इसका जो थर्ड रो मिलता है, इस तरह से आपके यहाँ पर मिल जाती है। स्पेशियस गाड़ी है, ऊपर आपको लाइट आ जाती है यहाँ पर हेलोजन सेटअप साथ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसकी इंटीरियर निकल के आती है थर्ड रो। स्पेशियस गाड़ी है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। बात करते हैं इसके इंजन स्पेक के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो हुड होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें दिया गया है जो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको मिल जाती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो जो क्लासिक यस मॉडल बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल जाती है। यहाँ पे देखें तो इस तरह से आपके यहाँ पे इंजन की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिले भाई, काफ़ी पावरफुल आपके यहाँ पर इंजन मिल जाती है। और कूलेंट की प्लेसमेंट, बैटरी की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है इस तरह से। और बात करते हैं इसके इंजन पावर के बारे में। तो इसमें आपको जो इंजन मिलती है 2184 सीसी का आपके यहाँ पर फोर सिलेंडर BS6 फेस टू आपके यहाँ पर इंजन मिली है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 130 BHP की पावर जनरेट करती है। टॉर्क आपको जो मिलेगी 300 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलेगी एट 2800 RPM पे। और गाइस यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, इसमें आपको हीट इंसुलेशन पैड भी इसमें ऑफर किया गया है। सो गाइस ये रहा महिंद्रा स्कॉर्पियो यस क्लासिक मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको एक्सट्रा कैसे मिलती है, इंटर कैसा दिया हुआ, इंजन पावर कैसी मिलती है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, सारी जानकारी आपको दे दिया है। एक बार फिर बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इस मॉडल का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 16,50,000 के करीब यह कार अवेलेबल हो जाएगी अगर आप इसे बाय करते हैं। तो यह कार जो अवेलेबल है राज महिंद्रा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ये अवेलेबल है, आप इसे बुकिंग करा सकते हैं अगर आप इस SUV को बाइक करना चाहते हैं। तो गाइस ये रहा महिंद्रा स्कॉर्पियो यस क्लासिक मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दें कि इस कार में आपको क्या फीचर्स मिलता है, क्या एक्सेल मिलती है, सारी जानकारी आपको दे दिया है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसे लगी कार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कार रिव्यू से, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।